नागरिकता संशोधन एक्ट के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने इस प्रक्रिया पर तुरंत किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ इस मामले पर दर्ज याचिकाओं को सुनने के लिए संविधान पीठ का गठन किया जा सकता है। केंद्र सरकार को अब इस मामले पर जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त मिला है और 5वें हफ्ते में अब चीफ जस्टिस की बेंच इस मसले को सुलझाएगी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीएए पर कुल 144 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। हजारा 370 अटानी और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 अटानी और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई लगातार जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील संजय पारिक और दिनेश द्विवेदी ने मामले को बड़ी बेंच में भेजने की मांग की है, जिस पर सुनवाई चल रही है। संवैधानिक पीठ को तय करना है कि इस मामले को लार्जर बेंच के पास भेजा जाए या नहीं। भारत से गोपनीय सूचनाएं हासिल करने के लिए पाकिस्तान तहर तरह के हथकंडे अपना रहा है। अब वो भारतीय मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर लोगों को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है। चंदौली से पकड़े गए राशिद ने इसका खुलासा किया है। 3 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड पर आए राशिद ने बताया कि पाकिस्तान में बैठे ISI के एक अधिकारी आसिम ने उससे 2 भारतीय सिम कार्ड लेने के लिए कहा था। आसिम ने ताकीद की थी कि सिम कार्ड अपने नाम से ना ले, लेकिन राशिद ने अपने मोहल्ले के ही 2 लड़कों की IT लेकर सिम कार्ड लिया और आसिम को इसकी जानकारी दी। आज से कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली के 2 दिनों के दौरे पर रहेंगी। पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्य के जिला और शहर के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। प्रियंका के दौरे के दौरान पार्टी के राजनीतिक माहौल पर और साल के अंत में होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारी पर भी चर्चा होने की उम्मीदें जताई जा रही है। सोनिया और प्रियंका गांधी भूमऊ में चल रहे कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मेरठ पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीए को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। राजनाथ सिंह के अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। राजनाथ सिंह की रैली मेरठ के शताब्दी नगर स्थित माधव कुंज में होगी। इस रैली को लेकर व्यापक तैयारियां भी की जा रही है। वेस्ट यूपी में रोजाना रुक रुक कर बारिश हो रही है, लिहाजा रैली स्थल को बारिश को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। सीएम योगी कानपुर के दौरे पर है। सीएम योगी ने चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम यहां प्राकृतिक खेती की कार्यशाला में शिरकत करेंगे, साथ ही योगी सीए के समर्थन में रैली करेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। SP प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचे। अखिलेश ने जनेश्वर मिश्र की 10वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा में शिरकत की और जनेश्वर मिश्र की विशाल मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद अखिलेश ने जनसभा को संबोधित करते हुए NRC CA को लेकर BJP पर निशाना साधा है। इस दौरान जनेश्वर मिश्र पार्क में SP के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्रीन एनर्जी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार नए साल में नए रूफटॉप सोलर स्कीम लॉन्च करने जा रही है। शाम 4 बजे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस योजना का शुभारंभ करेंगे। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए योजनाओं में सब्सिडी का आकर्षण ऑफर है। सोलर प्लांट से पैदा होने वाली बिजली की जितनी जरूरत होगी उपभोक्ता उसका अपने लिए इस्तेमाल करेंगे और यदि जरूरत से अधिक बिजली बचेगी तो उसे वो UPCL को बेच सकेंगे। राजधानी लखनऊ में सीए और NRC के खिलाफ लगातार 6वें दिन प्रदर्शन जारी रहा। घंटाघर में हो रहे प्रदर्शन में राज्य बाल अधिकारी संरक्षण की आपत्ति के बावजूद बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। प्रदर्शन में गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली। प्रदर्शन करने आई 413 महिलाओं ने रोजा भी रखा है, वहीं कई हिंदू मुसलमान महिलाएं वस्त्र रखकर प्रदर्शन भी कर रही है। घंटाघर में दोपहर 2 बजे हवन पूजा का भी कार्यक्रम रखा गया है। कानपुर में प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिला संबंधित अपराधों में इजाफे को लेकर सीएम को ज्ञापन देने जा रहे कांग्रेसियों को नजरबंद किया गया। कांग्रेसियों को जनता नगर बर्रा स्थित कार्यालय में नजरबंद किया गया है। कांग्रेस नेता विकास अवस्थी और दूसरे कांग्रेसियों को नजरबंद किया गया है।
भारत इंफ्राब्लिंट प्राइवेट लिमिटेड को लखनऊ रेरा ने 1,37,64,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। 11 आवंटियों के मामले की सुनवाई पर रेरा ने यह आदेश दिया है। 30 दिन के अंदर पैसे जमा करने का आदेश दिया गया। रेरा के आदेश के अनुसार समय पर जमा न करने पर लगेगा 4,000 प्रतिदिन का जुर्माना। आवंटियों को समय से कब्जा न देने, पूरा पैसा जमा करवाने पर यह जुर्माना लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मस्जिदों में लाउडस्पीकर लगाने पर एसडीएम की ओर से लगाई गई रोक हटाने में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने एसडीएम के आदेश में विशेष न्यायिक क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए हस्तक्षेप करने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि ऐसा करने से सामाजिक असंतुलन खड़ा हो सकता है। उत्तराखंड का मंगलौर कस्बा शाहीन बाग में तब्दील होता दिखाई दे रहा है, जहां सैकड़ों महिलाएं अपने बच्चों के साथ सीए कानून के खिलाफ एक मदरसे में इकट्ठा हुई और इस कानून के खिलाफ जमकर हुंकार भी भरी। दरअसल एनआरसी और सीए कानून के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो कहीं इन कानून का समर्थन भी किया जा रहा है। खासकर मुस्लिम समाज और दलित समाज के लोग लगातार कानून में हुए संशोधन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा विभाग से जुड़ी अहम खबर ये है कि पौड़ी गढ़वाल के 31 स्कूलों के नाम बदले जाएंगे। अब पौड़ी गढ़वाल के 31 माध्यमिक स्कूल शहीदों के नाम से जाने जाएंगे। पौड़ी गढ़वाल के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। उत्तराखंड के बंदून गांव के लोगों ने एकमात्र जल स्रोत को बचाने के लिए सतपुली में रैली निकाली और तहसील परिसर में नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया। बंदून गांव के 800 लोगों के गुजरने के लिए एक ही जल स्रोत है, जिस पर भी सड़क निर्माण हो रहा है। लखनऊ में कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद पहली बार डीसीपी पूर्वी सोमेन वर्मा ने गोमती नगर में औचक निरीक्षण किया। डीसीपी ने हुसडिया चौराहा, ग्वारी चौराहा और मिठाई वाले चौराहे का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कई इलाकों में स्थित शराब की दुकानों पर भी छापेमारी की और सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। औचक निरीक्षण के दौरान डीसीपी के साथ कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस मुख्यालय के निर्देशन पर गैंगस्टर फरार और इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए उत्तराखंड के भी थानों को टास्क दे रखा है, जिसके तहत सभी जिला की थाना पुलिस लगातार ऐसे अपराधियों की धरपकड़ कर रही है। वहीं पुलिस मुख्यालय ने सर्कुलर जारी किया है कि गैंगस्टर फरार और इनामी अपराधियों पर शिकंजा कसने में अव्वल रहने वाले जिले थाने को पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं अगर कोई थाना टास्क को पूरा नहीं कर पाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। नैनीताल जिले का जिला उद्योग केंद्र युवाओं को स्वरोजगार की तरफ जोड़ने में कामयाब रहा है। जिला उद्योग केंद्र के आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ स्वरोजगार से जोड़ने वाले युवाओं को टारगेट से ज्यादा दिया गया है। जिला उद्योग केंद्र ने पीएमईजीपी योजना के तहत 40 यूनिट लगाने के लक्ष्य में अब तक 72 यूनिट लगा दी है। इसके अलावा खादी बोर्ड और खादी आयोग के माध्यम से भी युवाओं को स्वरोजगार करने के लिए केंद्र और राज्य की योजनाओं के तहत सब्सिडी दी गई है। कुछ दिनों पहले प्याज के दामों में आए भारी उछाल के बाद उत्तराखंड सरकार ने मंडी परिषद के माध्यम से तुर्की देश से विदेशी प्याज खरीदे हैं, लेकिन अब विदेशी प्याज मंडी के व्यापारियों के गले पड़ गई है। विदेशी प्याज की क्वालिटी जहां भारतीय प्याज की तरह नहीं है, वहीं प्याज का साइज भी बहुत बड़ा है, जिससे स्थानीय ग्राहक विदेशी प्याज नहीं खरीद पा रहे हैं। प्रदेश में इस समय गन्ना पिराई छात्र चल रहा है। अब तक 146 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई की जा चुकी है, लेकिन लगातार गन्ने के तौल काठों पर घटतौली की शिकायत मिल रही है, जिसको देखते हुए प्रदेश के गन्ना आयुक्त ललित मोहन रयाल ने सभी जिलों के जिला गन्ना अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर किसी भी तौल काठे में घटतौली पाई जाती है तो तुरंत दोषियों के खिलाफ FIR लिखी जाएगी।
रामनगर का कौसी बैराज इन दिनों प्रवासी पक्षियों से गुजर जा रहा है, जहां इन दिनों सुराख पक्षी बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। इन पक्षियों के यहां आने से पर्यटकों का जमावड़ा भी लगना शुरू हो गया। दूर देशों में आने वाले ये पक्षी अपने साथ देसी विदेशी पर्यटकों को यहां आने के लिए आकर्षित करते हैं। वहीं पक्षियों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग के दावे फेल होते दिखाई दे रहे हैं। बैराज में लगे सीसीटीवी कैमरे पिछले 3 महीने से खराब पड़े हैं, जिससे कभी भी सुराख पक्षियों के शिकार होने की संभावना है। ग्रेटर नोएडा के दादरी कस्बे में गवाह की सुरक्षा में तैनात सिपाही को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लग गई। बताया जा रहा है कि सिपाही को खुद की बंदूक से गोली लगी है। गोली सिपाही के पैर में लगी है, फिलहाल सिपाही का इलाज चल रहा है। शामली के थाना थानभाव कस्बे में एक भिखारी को 2 युवकों ने जमकर पीटा है। पिटाई की ये पूरी घटना पास के लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 2 लोग भिखारी को बड़ी ही बेरहमी के साथ लात घूंसों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। हापुड़ में चोरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन चोरी की कोई ना कोई घटना सामने आती रहती है। ताजा मामला पिलखुआ कोतवाली इलाके का है, जहां आम जनता की तो बात छोड़िए, अधिकारियों के वाहन भी सुरक्षित नहीं है। दरअसल हापुड़ के वीडियो के घर के बाहर खड़ी उनकी बाइक पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरी की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस चोरों को तलाश रही है। बहराइच जिले के थाना कैसनगंज पुलिस टीम ने एटीएम बदलकर लोगों को कंगाल बनाने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों शातिरों की पहचान पवन कुमार और मोनू के रूप में की गई है। इन आरोपियों ने बीते 1 जनवरी को एटीएम में घुसकर पंकज नाम के युवक का एटीएम कार्ड बदलकर उसके अकाउंट से 1,52,000 रूपए गायब कर लिया था। एटीएम में लगे सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से पुलिस चोरों तक पहुंच गई और उसके कब्जे से 1,48,000 की नकदी बरामद कर उन्हें जेल भेज दिया है। मथुरा में बदमाश बेखौफ का कहर जारी है। ताजा मामला थाना राय इलाके का है, जहां मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक शराब कारोबारी को निशाने बनाते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब शराब कारोबारी मनोज रामपुर चौराहे से अपनी दुकान बंद करके घर के लिए निकले थे। तभी घात लगाए बैठे बदमाशों ने सराफा कारोबारों को गोली मारकर वहां लहूलुहान कर दिया। आगरा के थाना हरिपर्वत क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में अचानक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सिद्धार्थनगर में कोहरे का कहर देखने को मिला। रोडवेज बस और ट्रक में टक्कर हो गई, जिसके चलते 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को चोटें आई हैं। वहीं 4 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं गोंडा में भी कोहरे का कहर देखने को मिला। कोहरे की वजह से 4 वाहन आपस में टकरा गए, जिसके चलते 20 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं 7 लोगों की हालत बेहद ही नाजुक बताई जा रही है। हादसा खड़गपुर थाना क्षेत्र के गोंडा बहराइच हाईवे पर हुआ। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में आतंकियों से लोहा लेते हुए चंपावत सैन्य धाम का एक जवान शहीद हो गया। शहीद होने की खबर मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। वहीं बेटे की शहादत पर परिजनों को गर्व भी है। सेवन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देश के लिए बलिदान देने वाले राहुल की शहादत को सलाम करते हुए कहा कि सरकार शहीद राहुल के परिजनों के साथ खड़ी है। राजस्थान के कोटा के अस्पताल में पिछले महीने 100 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी। नवजात बच्चों की मौत का मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया तो डॉक्टरों ने के अग्रवाल और समाजसेवी बी मिश्रा की ओर से दाखिल याचिका में रिटायर्ड जज की निगरानी में पूरे मामले की जांच कराने की मांग भी की। कोटा के अस्पताल में 35 दिनों में 112 बच्चों की मौत के पीछे के प्रमुख कारणों में ठंड के मौसम के अलावा चीन के घटिया चिकित्सा उपकरण, भ्रष्टाचार और कमीशन की वजह सामने आई है। हरिद्वार में 2021 में होने वाले कुंभ को लेकर अधिकारियों ने अपनी कमर कस ली है। इसको लेकर 6 कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। सबसे पहले पुलजवाड़ा में मोहम्मदपुर झील तक कावड़ पटरी का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही विश्व कल्याण आश्रम, मातृ सदन, दक्षदीप एवं बस्तीराम पाठशाला के पास पुलों का भी निरीक्षण किया गया।
राजधानी दिल्ली में राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इस परेड में एक से बढ़कर एक टैंक और झांकियां शामिल होंगी। सेना के सभी अंग सशस्त्र बलों की टुकड़ियां गणतंत्र दिवस की परेड के लिए अभ्यास कर रहे हैं। पुलिस बल की टुकड़ियां भी गणतंत्र दिवस महोत्सव में हैरतअंगेज कारनामे करते नजर आएंगे। सोमवार और मंगलवार की गिरावट के बाद बुधवार को शेयर बाजार हरे निशान के साथ खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत 208 अंकों की तेजी के साथ हुई है। वहीं रुपए की शुरुआत आज मजबूती के साथ हुई है। डॉलर के मुकाबले रुपए आज 7 पैसे की मजबूती के साथ 71.13 के स्तर पर खुला है। वहीं पिछले कारोबारी दिन डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 71.20 के स्तर पर बंद हुआ था। देश की सबसे पुरानी निजी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल अब विदेशी कंपनी बन सकती है। केंद्र सरकार ने भारतीय एयरटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 50% से बढ़ाकर 100% करने को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने शेयर बाजार को यह जानकारी दी। वोडाफोन ने भारत में अपने दो नए प्रीपेड प्लान लॉन्च किए हैं। इस प्रीपेड प्लान की कीमत ₹558 और ₹379 और ₹558 का प्रीपेड प्लान फिलहाल केवल मध्य प्रदेश सर्कल में उपलब्ध है। इस प्लान में 3 GB डेटा रोजाना मिलता है और इसकी वैधता 56 दिन की है। वहीं दूसरी प्लान में प्रीपेड प्लान मध्य प्रदेश के अलावा मुंबई सर्कल में भी उपलब्ध होगा। टाटा मोटर्स की मोस्ट अवेटेड प्रीमियम हैचबैक टाटा अल्टोस की लॉन्चिंग हो गई है, लेकिन इस कार की चर्चा बीते साल दिसंबर में हो रही है। टाटा मोटर्स बीते साल 3 दिसंबर को अल्टोस की ओर पेश किया था। स्विट्जरलैंड के दावोस में मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मुलाकात की। दोनों नेताओं की यह मुलाकात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इतर हुई है। पाकिस्तान में लोगों पर महंगाई की मार और तेज हो गई है। टमाटर की किल्लत के बाद अब आटे और चीनी का संकट भी गहरा रहा है। पिछले 5 महीनों में ही आए आटे की दाम 43 रुपए किलो से बढ़कर 70 रुपए किलो तक पहुंच गई है। चीन में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप पर चिंतित विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चर्चा करने के लिए जिनेवा में आज एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है। चीन में फैला कोरोना वायरस अब दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। एशिया के कई देशों में इस वायरस के फैलने की खबर ने दुनिया भर के देशों को चौंका दिया है। इस जानलेवा वायरस से अब तक 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। चीन में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप पर चिंतित विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चर्चा करने के लिए जिनेवा में आज एक आपातकालीन बैठक बुलाई। इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य के सभी सदस्य मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज जीतकर टीम इंडिया के हौसले बुलंद हो गए हैं। अब भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे पर है, जहां 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए वो तैयार है। दौरे की शुरुआत T20 सीरीज से होनी है। पहला मुकाबला 24 जनवरी को होना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने विकेटकीपर बल्लेबाज युद्धिमान सहा को दिल्ली के खिलाफ होने वाले रणजी ट्रॉफी मैच में नहीं खेलने को कहा है। सहा न्यूजीलैंड दौरे के लिए खुद को फिट रख सके, इसी वजह से बोर्ड ने ये एहतियात कदम उठाया है। भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपने बचपन के दोस्त और टीम इंडिया के साथ ही रह चुके विनोद कांबली को चुनौती दी है। 2017 में सचिन ने सिंगर सोनू निगम के साथ क्रिकेट वाली बात पर गाना गाया था। आयुष्मान खुराना एक बार फिर मूवी शुभ मंगल ज्यादा सावधान को लेकर चर्चे में है। हाल ही में इस मूवी का ट्रेलर लॉन्च किया गया था, जो फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। अब इस फिल्म के ट्रेलर की सक्सेस को देखते हुए मुंबई में एक खास पार्टी रखी गई थी। वहीं श्रद्धा कपूर ने अपने करियर में 10 साल का सफर पूरा कर लिया है। श्रद्धा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में 3 पत्ती फिल्म से की थी। फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन नजर आए थे और श्रद्धा बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D में नजर आएंगी। हापुड़ में चोरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन चोरों की कोई ना कोई घटना सामने आती ही रहती है। ताजा मामला बिलखुआ कोतवाली इलाके का है, जहां आम जनता की तो बात छोड़िए, अधिकारियों के वाहन भी सुरक्षित नहीं है।
बॉलीवुड में कभी अपनी खूबसूरती से लोगों को दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस नर्मदा शिरोडकर आज अपना 47वां जन्मदिन मना रही है। नर्मदा का जन्म 22 जनवरी 1972 को मुंबई में हुआ था। आज लाइमलाइट से दूर रहने वाली नर्मदा 1993 में फेमिना मिस इंडिया का ताज अपने नाम किया था।